नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने WordPress ब्लॉग में आप कौन सा सोशल शेयरिंग का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ये प्लगइन बाकी सब प्लगइन से अच्छा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोशल स्नैप प्लगइन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सोशल स्नैप प्लगइन का रिव्यू भी करने वाला हूँ और साथ ही साथ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपके ब्लॉग में कौन सा सोशल शेयरिंग प्लगइन इस्तेमाल करें या फिर आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर वो सारी जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या फिर राइट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा ब्लॉग दिखा देता हूँ। यह है bloggingjoy.com मेरा ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लॉग का जो मेन पेज है, या फिर कोई भी आर्टिकल खोल लीजिए, उसका लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे सोशल शेयरिंग का मैंने एक ऑप्शंस डाले हुए हैं। मतलब अगर किसी को मेरा आर्टिकल पसंद आता है, किसी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और वो उस आर्टिकल को इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है, जैसे कि ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी होता है, हम अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, न्यूज़ या फिर कुछ जानकारी सीखकर हमें अच्छा लगता है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को हमारे दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया में तरह तरह अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो शेयर करना चाहते हैं, तो वो शेयरिंग का ऑप्शन आपको अपने ब्लॉग में रखना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके ब्लॉग में वो शेयरिंग का ऑप्शन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ब्लॉग शेयर होगा उतना ज़्यादा उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। और सोशल सिग्नल बोल के एक टर्म होता है, मतलब गूगल के पास जैसे सर्च इंजन के पास भी ये डेटा जाता है कि कितना ज़्यादा आपका ब्लॉग सोशल मीडिया में पॉपुलर है, तो उस टाइप का सिग्नल्स के लिए भी आपको सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना अच्छा सिग्नल जाएगा, उतना आपका ब्लॉग का अथॉरिटी इंप्रूव होगा, आपके आर्टिकल्स रैंक होंगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो आपके ब्लॉग के जरिए, तो आपके आर्टिकल्स को सर्च इंजन में रैंक कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही एफिलिएट में कन्वर्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग में कौन सा सोशल मीडिया प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सोशल स्नैप बोल के एक प्लगइन है, उस प्लगइन को यूज़ कर रहा हूँ। तो उस प्लगइन को मैं दिखा देता हूँ, उनका जो वेबसाइट है socialsnap.com। सोशल स्नैप ये एक पेड प्लगइन है, आप चाहे तो इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्री में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ 2-3 शेयर के ऑप्शन ही मिलेंगे। मैं आपको सिंपल से दिखा देता हूँ मेरे पास कितने टाइप से शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, ये पे मोर देन 30 वेज है, मैं अपने आर्टिकल को इन 30 प्लेटफॉर्म में ईजिली शेयर कर सकता हूँ। कहीं पे भी मुझे को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है तो फिर मैं इसमें क्लिक करूँगा, व्हाट्सएप में शेयर करना है तो इसमें क्लिक करूँगा, फ्लिपबोर्ड, स्काइप, बफर, बहुत सारे, रेडिट। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन रहेगा। आप बाकी प्लेटफॉर्म में अगर शेयर करना चाहते हो तो अलग अलग वो वेबसाइट खोलना पड़ेगा, वहाँ पे लिंक जाके पेस्ट करना पड़ेगा, तो इतना दिक्कत कोई यूज़र क्यों लेगा। अगर किसी को अच्छा लगता है, वो उसको रेडिट में शेयर करना चाहता है, सीधा यहाँ पे क्लिक करेगा, आके रेडिट में शेयर कर देगा। कौन रेडिट का वेबसाइट खोलेगा और वहाँ पर जाकर आपका आर्टिकल को पेस्ट करेगा? तो डेफिनेटली जो यूज़र्स होते हैं वो लोग इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं। तो यूज़र्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको इस तरीके का एक अच्छा सोशल शेयरिंग प्लगइन आपके वेबसाइट में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो आर्टिकल्स है, आपका जो कंटेंट है, उसका शेयरिंग बढ़ जाए। आप अगर मेरे आर्टिकल्स को देखोगे तो मेरे ज़्यादातर आर्टिकल्स को आप अगर अच्छे से मतलब रिसर्च करो तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हमको शेयर मिले। जैसे मैंने मान लीजिए मैं एक केस स्टडी लिखा था कि किस तरह से ब्लैक फ्राइडे के दौरान 4 दिन में $7,000 के आसपास हमने बनाए थे। तो आप जस्ट देखो कि अराउंड 900 शेयर हो चुके उस आर्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। तो इस तरीके का आप देख सकते हो, अच्छा सोशल शेयरिंग प्लगइन होगा तो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपके आर्टिकल को शेयर करेंगे और आपके जो आर्टिकल है उसका मतलब सोशल सिग्नल भी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्नैप प्लगइन के बारे में। ये देखिए सोशल स्नैप प्लगइन है, ये फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस सिर्फ आपको 2-3 ऑप्शन ही मिलेंगे उसमें। अगर आपको ये प्लगइन खरीदना भी है तो यहाँ पे ये लोग फिलहाल एक 30% का एक कूपन यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। देखिए काफ़ी सस्ता है, मैं तो यही बोलूँगा, सिर्फ $27 में आपको एक वेबसाइट के लिए साल भर का लाइसेंस मिल जाएगा। आप ये खरीद सकते हैं 3 वेबसाइट के लिए, मेरे पास यही वाला प्लान है, 3 वेबसाइट के लिए मैंने ये प्लान खरीद के रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस प्लगइन का अभी सेटिंग्स वगैरह जो है, किस तरह से आप इस प्लगइन को सेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अपने ब्लॉग में लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अभी अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। तो जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे, आपको लेफ्ट साइड में सोशल स्नैप बोल के ये मिल जाएगा, आपको क्लिक कर लीजिए इसको। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में ही शेयरिंग बटन मतलब दिखाना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सोशल शेयरिंग। आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लोटिंग साइड बार, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मतलब लेफ्ट साइड में मेरे को ये वाले ऑप्शन चाहिए, शेयरिंग ऑप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग साइड बार का इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसको एनेबल कर दिया है। सर्कल जो है मैंने मतलब छोटे रखे, थोड़े से स्मॉल रखे, आप बड़ा चाहे तो बड़ा रख सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं, राउंडेड रखना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, आपका जैसा मर्जी। तो काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड किया है। अब ये कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले होना है, मैंने होम पेज में भी रखा है,
पोस्ट पेज में नहीं रखा मैंने, पोस्ट पे फिर तरह तरह टाइप्स के मैंने कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया, उनमें भी चाहता हूँ मैं दिखे। बटन शेयरिंग, बटन स्पेसिंग, हाँ देखिए स्पेस बढ़ गए यहाँ पे, तो ये मैंने नहीं चाहिए मुझे। ऑल नेटवर्क्स, जो इनके अलावा अगर और भी अगर नेटवर्क दिखाने हैं आपको तो इसको एनेबल कर दीजिए, यहाँ पर प्लस बटन आ जाएगा, आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे ब्लॉग में कि बाकी जितने भी टाइप के शेयरिंग ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपके यूज़र्स को प्रोवाइड करोगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, टोटल शेयर काउंट दिखाना है नहीं दिखाना है, इंडिविजुअल लेवल में भी आप दिखा सकते हो, देखिए मतलब किस प्लेटफॉर्म में कितना शेयर हुआ आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए, बहुत ही डिटेल लेवल में ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। हाइड ऑन मोबाइल, जी हाँ, मोबाइल स्क्रीन में डेफिनेटली हम इस तरीके से लेफ्ट साइड में नहीं दिखा सकते, तो मैंने इसको यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ है मोबाइल में। तो ये हो गया एक ऑप्शन, ठीक है। फ्लोटिंग साइड बार, और कितने टाइप के ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इनलाइन बटन्स मिलेगा, मतलब आर्टिकल के नीचे भी आप वो बटन्स दिखा सकते हो। अगेन लेफ्ट साइड में डिटेल लेवल में कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ पे आप दिखाना चाहते हो, ये सारा ऑप्शन आपको मिला हुआ है। और क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ऑन मीडिया मतलब इमेजेस के ऊपर, अगर आप पिंटरेस्ट में एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि इमेजेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पिंटरेस्ट में। आपके ब्लॉग में अगर आप पिंटरेस्ट साइज़ के, पिंटरेस्ट का जो जो एक अलग शेप होता है उस साइज़ के हिसाब से आप इमेज शेयर कर रहे हो, तो इस तरीके का एक पिन बटन इमेजेस के ऊपर डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जो आपको फ्री प्लगइन्स या फिर कोई भी फ्री, जो आपको फ्री सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन से आपको नहीं मिलेगा। ये प्लगइन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप अपने इमेज के ऊपर ये पिन वाला बटन डाल सकते हो, ताकि यूज़र आराम से उस बटन को क्लिक करके उस आर्टिकल को, उस पिक्चर को पिंटरेस्ट में शेयर कर दे। तो ये हो गया कुछ इंटरेस्टिंग शेयरिंग वाले ऑप्शंस। और क्या है, शेयर हब होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया हमने, एनेबल हब। अच्छा हाँ, तो एनेबल हब ओके। तो आपको यहाँ पर राइट साइड में एक कोने में आपको ये इस तरह के ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप कर्सर डालते हो शेयरिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। और क्या ऑप्शन है, मैं इसका इसकी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। स्टिकी बार, अच्छा स्टिकी बार में क्या होगा कि आप शायद कहीं पे ऊपर या नीचे एक बार दिखा सकते हो। ओके, पोजीशन टॉप, शो आफ्टर स्क्रॉलिंग, अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम में स्क्रॉल करने के बाद आपको शायद ऊपर या कहीं पे एक बार दिखा सकते हो आप, तो आप इसके ज़रिए दिखा सकते हो। होम पेज, मैंने इसका यूज़ किया नहीं है, मैं सेव करके देख लेता हूँ क्या होना चाहिए इस बार में। अच्छा, विजिबिलिटी ऑन मोबाइल ओनली रखा हुआ है, मैं रखता हूँ डेस्कटॉप ओनली, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ उस पेज को, देख लेते हैं किस तरह से आता है। हाँ ये देखिए, तो डेफिनेटली ये मोबाइल के लिए ही अच्छा है, क्योंकि फ़ोन में मान लीजिए सोशल शेयरिंग बटन को दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप इस तरह से ऊपर या नीचे एक स्टिकी बार में डाल दे सकते हैं, जो भी यूज़र आर्टिकल को पढ़ेंगे फ़ोन में, पढ़ने के बाद इन बटन्स को क्लिक करके वो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। सेव चेंजेस, रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सोशल शेयर प्लगइन से हम कितने सारे चीज़ें कर सकते हैं, तो कितने टाइप के शेयरिंग ऑप्शंस हम कितने टाइप्स के शेयरिंग ऑप्शंस हम हमारे ब्लॉग में इस एक प्लगइन के जरिए डाल सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ, मतलब इस प्लगइन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। सोशल फॉलोअर, तो आप यहाँ पे फॉलोअर का भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्लिक टू ट्वीट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक टू ट्वीट आज के डेट में मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप आपके कोई भी आर्टिकल में, मैं एक पोस्ट क्लिक करके दिखा देता हूँ, आज के डेट में मतलब किसी का कोट आपको डालना है या फिर कुछ भी हाईलाइटेड लाइन्स आपको एज ए क्लिक टू ट्वीट डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो डालता हूँ क्लिक टू ट्वीट, ठीक है। तो क्लिक टू ट्वीट मैं दो, मतलब क्लिक टू ट्वीट के लिए मैं अल्टीमेट ब्लॉग्स नाम का एक प्लगइन वो भी यूज़ करता हूँ, तो आप सोशल स्नैप के जरिए भी ये कर सकते हो क्लिक टू ट्वीट। तो यहाँ पे दिस इज ए टेस्ट ट्वीट, ठीक है, मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, तो आप इसको जरा प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ आपको मैं, कैसे दिखेगा वो। ये देखिए, तो जैसे आप इसको क्लिक टू ट्वीट में क्लिक करोगे तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये ट्विटर में शेयर करने के लिए खुल जाएगा, आप देख सकते हो।
ये पूरा आर्टिकल ट्विटर में शेयर करने के लिए खुल गया। तो इससे क्या होता है कि क्लिक टू ट्वीट से आप ट्विटर में आपका जो शेयरिंग का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फीचर्स इस प्लगइन का। और भी है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है। आप मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप एक बार इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट में आप एक बार विजिट करो। कितने फीचर्स है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप डिटेल में पता कर लो। मैंने हालांकि जितने भी नेसेसरी फीचर्स है ब्लॉगर्स के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वेबसाइट में वो सारी मैंने आपको प्रैक्टिकली मेरे ब्लॉग के जरिए मैं आप ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आपको अगर कुछ दूसरे और भी फीचर्स चाहिए तो देख लीजिए उसमें मिलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से इस प्लगइन में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही मतलब गुड डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि सोशल शेयरिंग प्लगइन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर अभी तक एक मतलब फ्री सोशल शेयरिंग प्लगइन यूज़ कर रहे हैं मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस तरीके का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है इनमें अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा मत सोचिए। यहाँ पे आपको 30% का कूपन कोड भी मिल रहा है, साल में सिर्फ $30 आपको पे करना है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़्यादा वेट ना करें, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ का इस्तेमाल करके 30% का जो डिस्काउंट है वो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सोशल स्नैप से रिलेटेड ये जो ट्यूटोरियल और डिटेल जो मैंने बताई आपको पसंद आई होगी। इस तरीके का और भी यूज़फुल वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।